बीते 2018 में आतंकियों से लोहा लेते कश्मीर घाटी में शहीद हुए रियासी के वीर सपूत कमल किशोर को उनके पर केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भगवंत कुब्बा ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि समारोह में पुलिस विभाग के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में मकामी लोगों ने वीर सपूत शहीद कमल किशोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान अपने संबोधन में मंत्री भगवंत कुब्बा ने कहा कि आतंकियों की कायराना हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कमल किशोर की बहादुरी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वो बहुत बहादुरी के साथ आतंकियों के साथ लड़े और अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने लड़ते लड़ते आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं उन्होंने कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग्स को लेकर कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकियों को सुरक्षा बलों द्वारा करारा जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से आतंकी घटनाओं में कमी आने लगी थी, परंतु पाकिस्तान को शांत समृद्ध जम्मू कश्मीर पसंद नहीं आ रहा है। पाकिस्तान यहां अशांति और विकास के रथ को रोकने की पूरी कोशिश में है। प्रदेश सरकार, पुलिस, सुरक्षा बल व भारतीय सेना कभी पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। श्रद्धांजलि कमल किशोर जी का इस मौके पर मेरा सौभाग्य है कि श्रद्धांजलि देने के लिए मौका मुझे मिला है। और कमल किशोर जी इतना एक बहादुर जवान था और आतंकियों का लड़ाई में आतंकियों को ढेर कर करके और आतंकियों का गोली से स्वयं को जख्म होते हुए भी ढेर करना बहुत बड़ी हिम्मत कमल किशोर जी में था। इसके लिए आज श्रद्धांजलि में उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। और कमल किशोर जी का नाम मैं समझता हूँ कि अमर रहेगा निश्चित रूप से, और उनका बहादुरी के कारण इस देश के सुपुत्र के होते के कारण प्रेरणा मिलेगी और कमल किशोर का नाम लेते हुए आतंकियों को भय पैदा होगा कि कहीं कमल किशोर का जैसा जवान तो हमारे पीछे नहीं पड़ा है। तो हर जवान कमल किशोर जी का धैर्य से साथ मिले और आतंकी साथ में उतना ही मजबूती के साथ लड़े, यही प्रेरणा शहादत कमल किशोर जी के प्रेरणा मिलते रहेगी। देखिए आतंकियों का मनशा जो मनस्थिति है वो तो हर जम्मू कश्मीर का नागरिक जानता है। पिछला 7 साल में काफ़ी आतंकियों का घुसपैठी हो और सिविलियंस का मरना हो काफ़ी कम आ चुकी थी। अभी पिछले हफ्ते से उनका कोशिश है, क्योंकि अभी आगे आने वाले दिन में बर्फबारी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी भारत में उनका भेजने का उनका प्रयास है। लेकिन जम्मू कश्मीर का पुलिस और देश का मिलिट्री सक्षम है कि हर आतंकियों को बक्सा न देते हुए उनको मार गिराने का कार्य पुलिस भी बहुत ही कर रहा है, हमारा मिलिट्री भी बहुत कर रही है। तो इसी के लिए उनका जितने भी जो अशांति फैलाने का जो कोशिश कर रहे हैं, जो सिविलियंस को मारने का कोशिश कर रहे हैं, कि किसी हालत में उनको कामयाब नहीं होने देंगे, यही मैं कहता हूँ। भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लिए जो जो उचित रहेगा, पुलिस के लिए, मिलिट्री के लिए, आम जनता के लिए, सारे कदम प्रायोरिटी बेसिस पर कदम उठाती रहे। समय समय पर जो भी निर्णय लेना है तो इस इलाके का उचित समझ कर लेते रहते हैं।